यस बेगम अंजे कला मिडिल स्कूल के पास बड़ापुरा में देर रात अचानक जो है गैस सिलेंडर फटा है। जिस गैस सिलेंडर फटने से पूरे मकान में जो है घर का सारा सामान रखा खाक हो गया। बेगम अंजे की अमूमन जो है रायसेन जिले की, मैं अपने बंसल न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगा, अमूमन पहली घटना है क्योंकि बम की तरह विस्फोट हुआ है और गैस सिलेंडर कभी करीब एक से, जैसा कि दर्शक बंसल न्यूज़ को बता रहे हैं, करीब एक किलोमीटर दूर जाके इसके अवशेष मिले हैं। जैसा कि मैं अपने बंसल न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गैस सिलेंडर का जो नीचे का जो जिसको हम बोल सकते हैं कड़ा यहाँ पर मौजूद है, जिसका वजन करीब 102 किलो है, जो यहाँ पर मौजूद है, ये गवाही दे रहा है कि गैस का जो है घरेलू गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि परिजन जो है किसी काम से भोपाल गए हुए थे, इसी बीच हादसा हुआ है, घर में कोई भी मौजूद नहीं था। जैसा कि दर्शकों का ये भी कहना है कि जैसा कि घर में आग लगी और देर रात की घटना है, दमकल को सूचना दी गई थी, पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। घटना से करीब 10 लाख रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मौजूद थे। अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि उसमें खास बात ये भी है कि घर में जो है शादी आ रही थी, जिसमें जो है ज्वेलरी जेवर भी घर में रखे हुए थे, जैसा कि बंसल न्यूज़ को बताया गया है। करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और घरेलू गैस सिलेंडर का जो घटना से ये घटना हुई है। मेरे साथ उनके परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साजिद। कैसे हुई घटना बताओ, किसने बताया आपको ये? रात में फोन आया हमारे पास के घर में आग लग गई है आपकी। हाँ, हमने देखा कि इधर बताया कि गैस सिलेंडर फट गया। हाँ हाँ, देखा तो इधर आए जब सुबह तो पूरा घर जल चुका था। तो गैस कब भरवाया था आपने? ये घरेलू गैस था? जी, घरेलू गैस था। जी जी, महीने एक पहले भरवाया था इसे। अच्छा, और अब अचानक में बम विस्फोट हो गया, फट गया हुआ घर। करीब कितना नुकसान होना बताया जा रहा है, बताओ? घर में नुकसान तो अब घर में शादी, करीब कितना नुकसान हुआ ये बताओ? करीबन 10-1 लाख रुपए का नुकसान। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो उसमें ज्वेलरी भी थी, जेवर वगैरह भी थी ना? ज्वेलरी थी, घर में शादी थी। अच्छा, आपको किसने सूचना दी? हमें एक भाई ने फोन लगाया, हमारे जी भाई हैदर, हमारे छोटे भाई। अच्छा अच्छा, इन्हें फोन लगाया, कहलेगा भाई आग लग गई घर में आग लग गई जी। हम लोग गए थे क्या इलाज करवाने बच्चों का, यहाँ आके पता चला कि सुबह फिर भगते भगते वापस आए। आपको मतलब परिजनों ने सूचना दी आपको? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा घर में फ्रिज जो है भी है, कूलर, बाकी सारा सामान रखा होगा? अरे पूरा सामान था, फ्रिज थी, कूलर था, वॉशिंग मशीन थी, इन्वर्टर था, बहुत सी चीजें थी, दो मशीन। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि किसी के परिवार में शादी भी आ रही है। हाँ, परिवार में शादी है ना हमारे, उसके लिए जेवर घर में रखा हुआ था। जेवर घर में रखा था। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दे दी है? प्रशासन को आप भाई लोगों ने बता दी, हम तो अभी आए हैं वहाँ से, भोपाल से। ये थे मकान के परिजन, जिनका साफ तौर पर कहना था करीब 10 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन आपको अच्छे से कहेंगे, बताएं कि यहाँ पर जो बंसल न्यूज की टीम खड़ी हुई, मैं बताना चाहूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर जो है बंसल न्यूज के दर्शकों को देखा जा रहा होगा, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, यहाँ पर मैं यहाँ भी अपने दर्शकों को दिखा दूँ। हालांकि कंजेस्टेड जगह होने की वजह से कैमरा इसको मूव नहीं कर पा रहा है, हमारे दर्शक ये भी देख पा रहे होंगे, अंधेरा यहाँ पर है और मौसम की खराबी के चलते भी थोड़ा सा इसको क्लू लेना जरा मुश्किल हो रहा है। लेकिन करीब 10 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर होना बताया जा रहा है, हालांकि काफी बड़ा नुकसान है। मैं यही कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, विस्फोट हुआ है, घरेलू गैस से जो विस्फोट हुआ है, इससे सारा घर का जो है सामान जलकर राख हो गया है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, बंसल न्यूज, बेगमगंज।